लॉकडाउन को देखते हुए रविवार को भी महानगर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। शहर के अमरूद मंडी, रुस्तमपुर, नौसौ चौराहा, शास्त्री चौक, गोलघर मार्केट, चेतना मार्केट, गोलघर काली मंदिर चौराहा, धर्मशाला पुल, रेलवे ट्रैक, असुरन पर आवाजाही बंद रही। पुलिस के जवान लॉकडाउन का पालन कराते हुए नजर आए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, शहर में लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। लोग भी अपने आप से काफ़ी पालन कर रहे हैं। जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व समझाया जा रहा था कि चौराहे पर उधर बैठा ले भी जा रहा है। ये मात्र उनको सबक सिखाने के लिए है कि आप बेफालतू मत घूमिए, अपनी जान को जोखिम मत डालिए और अपनी जान के चक्कर में दूसरों की भी जान जोखिम मत डालिए। बहरहाल ज़्यादातर लोग उसका पालन कर रहे हैं। दुकानें लगभग सभी बंद हैं, मात्र आवश्यक आपूर्ति वाली दुकानें ही खुली हैं। लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि जब तक लॉकडाउन प्रभावी है, जब तक सरकार लॉकडाउन चलाती है, उसके नियमों का पालन करें, अपनी जान बचाएं और दूसरों की भी जान बचाएं, क्योंकि जो स्थितियां और ज़िलों में हैं वो स्थितियां यहां ना होने पाएं और सकुशल रूप से लॉकडाउन संपन्न हो और यहां पर कोई भी जान माल का नुकसान ना हो सके। जो लोग फालतू चराब घूम रहे हैं उनकी गाड़ियाँ भी सीज की जा रही हैं। कुछ लोगों के विरुद्ध 188 APC का मुकदमा भी लिखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप खुद देखेंगे विभिन्न चौराहों पर बैठा के एक सबक भी सिखाया जा रहा है। ये मात्र उनको सबक सिखाया जा रहा है कि आप बेफालतू घूम रहे हैं, उसी लिए चौराहे बैठा के एक सबक भी सिखाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो दोबारा रिपिटेशन करेंगे तो उनको फिर जेल भेजने की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।